नमस्कार, स्वागत है आपका किटू टिफिन में। आज हम बनाएंगे व्रत वाले आलू, जिसको बनाने के लिए हमें एक पैन में 2 चम्मच देसी घी लेना है। उस देसी घी में थोड़ा सा जीरा, कटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा कटा हुआ हरा हरा मिर्च, बारीक कटे अदरक के टुकड़े और कुछ करी के पत्ते डाल के उनको क्रैकल होने तक भून लेना है। 25 से 30 सेकंड भूनने के बाद जब ये हल्के से सुनहरे होने लगेंगे तब हम इसमें ऐड करेंगे बॉईल किए हुए कटे हुए आलू। अच्छे से भून लें इसको। करी पत्ता भी चटकने लगा है। ये भूनने में 20 से 25 सेकंड लगेंगे मीडियम फ्लेम पे। चटक गया, इसमें हम बारीक कटे हुए उबले हुए आलू डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। 1.5 से 2 मिनट तक इसको चलाते हुए भूनेंगे, इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाएगा, ब्राउन कलर। बीच बीच में चलाते रहे और 1 से 1.5 मिनट तक इसको मध्यम आंच पर भून ले। अब हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर और सेंधा नमक। सेंधा नमक जो है वो व्रत में ही खाया जाता है, सादा नमक लोग व्रत में कम खाना पसंद करते हैं। थोड़ा सा सेंधा नमक स्वाद के अनुसार और थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर, जो एक अच्छा स्पाइसी फ्लेवर आएगा इससे। अच्छे से सबको मिक्स करें। अब हम इसमें मिलाएंगे भुना हुआ भुनी हुई मूंगफली। इसको अच्छे से मिक्स कर दें। अच्छे से मिक्स करने के बाद बस ये तैयार है। और इसमें हम लास्ट में गार्निशिंग के लिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया मिक्स करेंगे और तैयार है हमारा व्रत वाले आलू। इसको व्रत में, नवरात्रि में, किसी भी व्रत में आप खाएं और इन्जॉय करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किटू टिफिन चैनल। थैंक यू।